जहां मस्तियों और शैतानियों का हर दिन त्योहार होता है, जहां गुस्से में भी माँ बाप का छुपा दुलार होता है, जहां बिगड़ी को बना देते हैं मिलके, जहां रोते और खिलखिलाते हैं खुलके, एक परिवार ही समझता है ये रिश्ते दिल के। आइडल का परिवार मिलेगा हमारे कंटेस्टेंट के परिवार से आज फैमिली स्पेशल में। बहुत लोग व्यापार बना सकते हैं, बहुत लोग सपनों का आकार बना सकते हैं, इस दुनिया में सफल वो है जो एक अच्छा परिवार बना सकते हैं। परिवार हमारे लिए बहुत कुछ नहीं होता है, ये हमारे लिए सब कुछ होता है। इसीलिए इंडिया के हर परिवार को सलाम करने, वेलकम टू इंडियन आइडल, मेरा पहला प्यार मेरा परिवार स्पेशल। तो हम है रेडी कंटेस्टेंट्स, क्या आप तैयार हैं? अरे तो देख क्या रहे हो, शुरू हो जाओ। प्रेजेंटिंग महाराष्ट्र की अस्मिता अंजलि गायकवाड़, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। होरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, होरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुरा, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। पूरी परफॉर्मेंस में
जितनी भी बार आप ताने ले रही थी, मेरे बार बार मुंह ऐसे खुला खुला था। एग्जैक्टली। अंजलि और अमेजिंग, क्या क्या खाती हो तुम? पापा क्या खिलाते हैं तुम्हें? काश काश की ऐसी सिंगिंग कुछ खाने से आ जाता, हम भी खाते रहते। थैंक यू सो मच मैम। आपकी उम्र क्या है? 15 साल है ना, तो आपको शायद ये अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन आप इंडियन क्लासिकल को भारत की जवान पीढ़ी तक आप ले जा सकती हो। एब्सोल्युटली। यू गॉट एवरीथिंग, एवरीथिंग। जो लेडी तानसेन हिमेश कहते हैं ना, वो एक्चुअली आप हो। थैंक यू सो मच। यू नो इट्स इनक्रेडिबल, इट्स इनक्रेडिबल। मतलब भेजा फट गया। वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। अंजलि, तुम एक प्रतीक हो, तुम हम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हो कि हाँ यार, ऐसा भी इस जवान पीढ़ी में, इस न्यू जनरेशन में कोई बच्चा हो सकता है जो इस लेवल की सिंगिंग करता है। और मैंने जितना क्लासिकल म्यूजिक अपने डैडी से जो भी सीखा है, उसके मुताबिक ना मैं कंटिन्यूसली यही देख रहा था कि तुम कहीं ना कहीं ज़रूर मिस्टेक करोगी, बिकॉज लेडी तानसेन अगर नाम दिया है तो तुम्हारी सारी तान पे मेरी नज़र थी, और मैं नज़र रखता गया और मैं चूकता गया क्योंकि तुमने कोई मिस्टेक अपनी तान में नहीं की। थैंक यू सो मच। अंजलि, आज फैमिली स्पेशल है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी हमारे जीटीई वाले सिंगर्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा लकी आप हैं। आपके पापा आपके साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, और इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि मम्मी की भी याद नहीं आती कभी। मम्मी को बहुत अच्छा लगेगा ये सुन के। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पिताजी ये प्यार जो आपको बांटते हैं वो यस यस, मेरे साथ सभी कंटेस्टेंट को ये प्यार बांटते हैं। अच्छा, एक नजर घुमाते हैं सर। अच्छा, सबूत। छह बजे सुबह। चलो बेटा तैयार हो गई, नीचे जाना है, सब धारा आ रहा देख रहे। अंजलि के पापा ना, वो उसके लिए हानिकारक बापू थे, अब हम सबके लिए हानिकारक बापू बन गए। अरे दानिश बेटा, अंजलि, अरे जब से अंजलि के पापा आए, हमारी पूरी लाइफ जो है सारे कंटेस्टेंट्स की वो बिल्कुल चेंज हो गई है। अरे ऐसे करके उठाते हैं, नींद भी नहीं खुलती है, और यहाँ पे आके मुझे योगा करना पड़ता है हम सबको। क्या तबीयत बनाई आपने? खास हम दोनों को बहुत ज्यादा करवाते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि थोड़ा कम करना है अपनी वजन तो गाय के और बढ़ सकता है। क्योंकि सब बच्चों की तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है इनका अगर रूटीन सही हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं तो यार चिकन विकन खाने वाला बंदा हूँ, तो वो ना मुझे चिकन खाने देते हैं। अरे चावल, हमारी जिंदगी जो है वो दाल रोटियों पे चल रही है। वो तला हुआ होता है पापड़, यानी ऑयली। अंजलि तो मेरी बेटी है, उसी तरह यहाँ पर जो भी बच्चे कंटेस्टेंट है सभी मेरे बच्चे समान है। अरे बच्चों, अरे कहाँ गायब हुए सबके सब? और अब वो जो हर मोड़ पर अपने पिता का हाथ थाम ले, भारत की बेटी सायली कामले। नमस्ते। सायली, वैसे आपके मम्मी पापा आज नजर नहीं आ रहे, फैमिली स्पेशल। मम्मी पापा आए हुए हैं। अच्छा? एक्चुअली मेरे घर के बहुत सारे लोग आए हुए हैं। बहुत सारे लोग आए हुए हैं। सायली की फैमिली प्लीज स्टेज पे आइए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। अरे ये तो सच में बहुत सारे लोग हैं। इतना लहान कुटुंब है तुम सब। ये मेरी अज्जी है, मतलब आई की आई है। नमस्कार। नमस्कार अज्जी। वो मेरे मामा है। ये मेरा दादा मतलब है? दादा नहीं, भैया। और ये मेरी बहन है जी।
श्रावणी ये श्रुति नुपुर काका काकी आणि काका काकी काका काकी पप्पा आणि काका काकी पप्पा ठीक है। अब लग रहा है कि एक्चुअली फैमिली स्पेशल है ना आदि? करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। यू नो, मैं गिन रहा था कि 16 लोग आए हैं परिवार से, am I right? जी सर, बिल्कुल 16 लोग हैं आज। और सर आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए सर, बोलिए सर। आज इंडियन आइडल की वजह से हमारा कामले परिवार का नाम रोशन किया है साइली ने। आज पूरा भारत में मशहूर हुई है। सर 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 आप गलत हो, भारत में नहीं पूरे विश्व में। क्या बात है, वाह। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी। साइली, पूरा कामले परिवार आया है, क्या कहना चाहेंगी आप? पूरा फैमिली तो है बट मेरे दादा दादी मिसिंग है आज। पिछले कुछ साल से मेरे पापा और उनके मॉम डैड का इतना बातचीत नहीं है। चीजें ऐसी हुई थी कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, लाइक हर घर में होता है, सभी के घर में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होती है। प्यार तो है दोनों में भी, पर अभी तक वो जताया नहीं है, वो बताया नहीं है, वो छुपा के रखे, थोड़े से इश्यूज लेके बैठे लोग। एक मुहर है हिंदी में कि मराठी में आपको बता देता हूँ, स्वामी तीनी जगाचा आई बिना भिखारी, माँ मैं भिखारी हूँ माँ के लिए, लेकिन माँ मेरी आई नहीं अभी तक साहिली को आशीर्वाद देने के लिए। क्या हुआ जो घर में कुछ ऐसा इश्यू हो जाता है जी कि आपको बता, मैं या जाके बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि गलत फहमी से वो जो हो जाते हैं जी, 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 उनका मुझे ऐसा लगता है ये साहिली को बहुत आशीर्वाद दे, देखो माँ का आशीर्वाद है ना, कभी खाली नहीं जाते। बिल्कुल सही बात। आपकी बात हुई है आपके माता जी पिताजी से? सर ऐसे तो नहीं होते, वो थोड़ा रूठे हुए हैं। सर कितने टाइम से बात नहीं हुई आपकी? सर 10 साल हुआ, 13 साल से थी। साली उनसे बहुत ऐसे क्लोज है ना, बहुत क्लोज है उसके। माँ नहीं ना आपके पास, तो आपके पास कुछ नहीं है जिंदगी में, जीने के लायक नहीं है उसके। आप जब उसे पेट से आते हैं ना, ये अभी मैं बयान नहीं कर सकता उनके लिए। मगर एक बात सर मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जो इंडियन आइडल का जो मंच है ना, ये एक ऐसा मंच है जो पूरे दुनिया से प्यार बटोरता है, लोगों को जोड़ता है यहाँ पे। तो ये जब आप कह रहे हैं इतनी बड़ी बात आप हम सब के साथ में शेयर कर रहे हैं, तो इस एपिसोड के माध्यम से आशा है, तमन्ना है कि आपके आई बाबा ये देखेंगे। और नहीं, मैं उनको लेके आऊंगा जी। देखो माँ बाप को पैर पड़ना कोई गुनाह नहीं है, बिल्कुल 100 बार 1000 बार पढ़ना पड़े मैं पढ़ूंगा, लेकिन उनको मैं एक बार लेके आऊंगा साहिली के लिए, उनके हाथ पैर जोड़ के किसी भी हालत में उनको लेके आऊंगा। साइली, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर परफॉर्मेंस एंड कामले परिवार, प्लीज हमारे साथ बने रहिए, साइली की परफॉर्मेंस को लाइव एंजॉय कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय निकालकर यहाँ पर आने के लिए। एक बार साइली और कामले परिवार के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू।
साहिली, आपने मतलब ऐसा लग रहा है कि आप आशा जी की स्टूडेंट हैं। वाह। मतलब आशा जी के कदमों में बैठ के आपने गाना सीखा है, ऐसा सुनाई देता है। That she's your inspiration. ये बहुत महान रास्ता है जिस पर आप निकली हैं। I wish you all the very best. Thank you so much. साहिली, मुझे लगता है अगर यहाँ पे सबसे अच्छे expressions कोई डालता है गानों में तो वो साहिली है। Thank you. बहुत अमेजिंग एक्सप्रेशन डालती हो साहिली, बिल्कुल देखने में ऐसे लगते हो सीधी सादी लड़की, मतलब इसको कुछ नहीं पता है और स्टेज पे गाती है तो ऐसा लगता है बड़ी चंट है ये। Bye.
Wow! My God! Vishal sir. नहीं 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 sir. नहीं आप और किसी से बात करो. मुझे बात ही नहीं करो. Sir. Sir करिए ना sir. Sir करिए ना sir. Family episode है. बहुत ही emotional एक पल हुआ था इस performance के पहले. जी sir. और फिर ये performance हुआ था. मतलब आप क्या चीज हो शायद आपको नहीं पता. बहुत सारे लोग ये परफॉर्मेंस सुनेंगे टीवी पे और सोचेंगे कि यार ओरिजिनल तो ऐसा नहीं था. यू नो हाउ इट इज पब्लिक में तो ऐसा होता है कि यार ओरिजिनल गाना तो वैसे. बट व्हाट यू हैव डन म्यूजिकली, मतलब जिसको म्यूजिक की समझ है वो ऐसा लाइक व्हाट, ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है. यू गाइज आर इनक्रेडिबल फर्स्ट ऑफ ऑल. मतलब और टच और डायनामिक्स और आज मजा ही आ गया. टू गुड टू गुड. एंड ऐसा था कि आपने गाने गाने को जन्म दिया. इट वाज टू गुड टू गुड टू गुड टू गुड. इंतहा हो गई कि इतने सारे परफॉर्मेंसेज हुए लेकिन षणमुख प्रिया का ये परफॉर्मेंस एक लैंडमार्क परफॉर्मेंस की तरह होगा क्योंकि वेरिएशंस लेने के बावजूद भी उसकी जो आत्मा है, जो सोल है, जो इमोशनल कनेक्ट है गाने का, वो कभी भी तुमने नहीं जाने दिया. हिस्टोरिक आउटस्टैंडिंग सुपर फैंटेबुलस जय माता दी. लेट्स इंडिया से ऐसे कौन परफॉर्मर्स हैं, कौन सिंगर्स हैं जो पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो षणमुख प्रिया है. षणमुख प्रिया ऑब्वियसली आपने मौसम बदल दिया. Beautiful, yeah, Ashish. What a soothing performance.
सर इसने इतना बड़ा एग्जाम्पल बना दिया है ना सर पूरे फैमिली के सामने, तो लाइक कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं चाहे लाइक मॉम डैड तो है ही, पर इस बंदे को कभी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता यार. बाबा आनी आई था इतने, मैं भी तेरे पीछे खड़ा हूँ. तेरे को जो करना है जिंदगी में वो कर, हम सब है तेरे साथ. जजेस, जो रिश्ता है तुम्हारा अपने परिवार से वो इतना गहरा है कि आपकी मम्मी जो इतनी इमोशनल हो गई. मम्मी जी कुछ कहना है आपको? क्या कहना है, इतना अच्छा गाया आपके बेटे ने. टच हुआ एकदम हार्ट को. और बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हम लोग जी. पिछली बार मैंने कहा था मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, अभी वो शब्द भी मुझे बहुत छोटा लगने लगा है. हर एक पिताजी का एक सपना रहता है एक ना एक दिन मेरा बच्चा बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाए, अपने पिताजी से भी ऊंचा हो जाए. लेकिन आज मैं अभी ये देख रहा हूँ कि आज वो इतना ऊंचा हो गया है कि मुझे उसको देखने के लिए पूरे जो कुछ भी आज वो है वो पूरा और पूरा श्रेय इंडियन आइडल मंच को जाता है, आप सब जजेस को जाता है. और इसलिए मैं और पूरे इंडियन आइडल और सोनी टीवी को तहे दिल से हमारे कुलकर्णी परिवार की तरफ से बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूँ. नेहू, पहले तो म्यूजिक जब बजा ना कॉर्ड्स आए, मैंने कहा ओ हो प्लीज भगवान मुझे बचाओ, मुझे रोना नहीं है. और जब आपने गाया मुझे लगा आपने अपना दिल निकाल कर रख दिया. एक एक वर्ड आपने फील करके गाया, लग रहा था कि आप देश के लिए गा रहे हैं. यू नो जब आया था हमारा एके तो एक अलग रूप था, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि एके कहाँ इतना रॉकिंग परफॉर्मर और कहाँ से वो इतनी संजीदगी, इतना सोलफुल, फुल हार्ट एंड सोल डाली हुई परफॉर्मेंस. बट आज तुम्हारी जिंदगी का तुमने बेस्ट परफॉर्मेंस दी. सच्ची. और आपने बहुत ही कमाल का मौसम बदल दिया. लेडीज एंड जेंटलमैन, साष्टांग नमस्कार के साथ स्वागत है मिसेज एंड मिस्टर उदित नारायण झा. आ गया जी, हमेशा पीछे रहता हूँ, आप कह रहे हो आगे चले जाओ. पापा, मम्मी, दूसरे लोग भी तो आगे जाएं. लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरे चाहने से क्या होगा, जिसको आना है जिसको करना है वो करके ही रहेगा. बिल्कुल. नेहा ने हाँ जी रोहन से हाँ जी नेह लगा के प्रीत कर लिया. बहुत बहुत बधाई हो आपको. कांग्रेचुलेशंस नेहा, आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद. लेकिन बहुत कंजूस हैं, यहाँ तो पैसे बांटते रहते हैं, हमें तो एक मिठाई भी नहीं मिला.
28 नवंबर 1996 को लेले परिवार ने बप्पा से मांगा एक सर्वगुण संपन्न औलाद. बापा बोले, लेले. महाराष्ट्र के मराठी मानुस ने मांगा इस श्रेष्ठ भूमि को और जागृत करने वाला एक और कर्णधार. बापा बोले, ये भी ले ले, वो भी ले ले, सब ले ले. इतने लेले के बाद जन्म लिया उसने, जिनके गाने सुनकर बिस्तर से उठ गए वो जो जन्मों से थे थकेले. नचिकेत लेले. आज पता नहीं किस रूप में आएंगे नचिकेत लेले. अरे यार मैन, आई एम सो एक्साइटेड. गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए ओए ओए, ओ जाने सारी नगरिया. आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया. मेरी गली आते हो क्यों बार बार, छेड़ छेड़ जाते हो क्यों दिल के दर. ओ सैया, ओ सैया, ओ सैया, पढ़ू तोरे पैया. मेरी गली करूं गोरी, मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं ना आएगा रात. ओ गोरी, ओ गोरी, ओ गोरी, पढ़ के बुदन तिरवी टकर. क्या मैं करूं गोरी, मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं ना आएगा रात. ओ हट जाओ ना बनाओ, हट जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय. गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया. पीछे पीछे आते हो क्यों दिल के टोर, मार जाओ वरना मचा दूंगी शोर. तो बचा हम हुए, हम मुर्गे, हम कौवे. पीछे पीछे आते हो क्यों दिल के टोर, मार जाओ वरना मचा दूंगी शोर. पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती वो चल पीछा छोड़. वो गोरी, वो नटखट, वो खटपट, वो बंगट, वो झटपट. पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती वो चल पीछा छोड़. ओ तोरे नैना, ओ मीठे बैना, ओ तोरे नैना, हाय हाय मीठे बैना, हाय हाय हाय. मुझको बना दे बावरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया, ओए ओए, ओ तेरी तिरछी नजरिया. ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, वो गुजरिया, ओए ओए, वो जाने सारी नगरिया. आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटोरिया, ओ सवरिया, वो गुजरिया. इस परफॉर्मेंस पे अब रियलिटी शोज की दुनिया में बोला जाएगा कि हाँ, ये गुजरिया गाने पे, किशोरदा के इस गाने पे दो रूप में इस तरह से लाइव परफॉर्मेंस देने वाला नचिकेत वाला परफॉर्मेंस हिस्टोरिक है. अगेन ग्रेटेस्ट टैलेंट एवर, माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब, फैंटेबुलस. ऑनेस्टली, मतलब जो आपने आज किया है वो बहुत ही कठिन है. मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जानना जरूरी है कि ये हमारे जो सारे जो महारथी हैं, दे मेक इट लुक ईजी. ये ऐसा, मतलब आपको दिखता होगा कि ये बड़ा आसान काम है ये, और बहुत मजा लेके कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही कठिन, बहुत मुश्किल है. एंड आई सैल्यूट यू फॉर डूइंग इट. ग्रेट जॉब. कमाल की बात है, मैंने कभी भी किसी भी इंडियन रियलिटी शो में तो ऐसी चीज कभी देखी नहीं. माय गॉड, नचिकेत, रंगमंच को इंडियन आइडल के मंच पे लाकर आपने मौसम बदल दिया.
नेहू की फैमिली से हम बहुत बार मिल चुके हैं. हाँ जी. लेकिन नेहा की फैमिली जो है अब बढ़ चुकी है. अब नेहा सिंह परिवार का हिस्सा है. नेहा बहुत अच्छी सिंगर है ये हमें पता है, बहुत खूबसूरत है हमें पता है, कमाल की परफॉर्मर है ये भी हमें पता है, लेकिन आज हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी प्यारी नेहू बहू कैसी है. तो कॉल लगाया जाए सास और ससुर जी को, वो भी नेहू के. नमस्कार, सत श्री अकाल ससुर जी. ये हैं हमारे हैंडसम रोहन प्रीत के मम्मी और पापा. थैंक यू मम्मा जी पापा जी. नमस्कार जी. नमस्कार. बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन आइडल के इस फैमिली में. थैंक यू सर. हमें भी बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके. क्या बात है. आज हमने आपको कॉल किया है ये जानने के लिए कि नेहू जी बहू कैसी है. वो है जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता. बहू के रूप में बेटी मिली है. एक सास को माँ को एक यही उम्मीद होती है कि उसकी बहू इतनी अच्छी मिले कि वो उसके बेटे का सारी उम्र ध्यान रखे, और नेहू पे वो सारी बातें पूरी उतरती हैं. क्या बात है. So sweet. और मैं आपको बता दूं कि नेहू जी यहाँ पर बैठे बैठे बड़ा शर्मा रही हैं, बड़ा ब्लश कर रही हैं. जितनी पिंक उनकी ड्रेस है उतने ही पिंक उनके गाल हो गए हैं. मुझे एक्चुअली ये कहना है कि मुझे ना बड़ा डर था. मुझे लगता है किसी भी लड़की को डर होता है कि उसके सासू माँ कैसी होंगी, ससुर जी कैसे होंगे, फैमिली कैसे होगी. रोहन मुझे लगता है जितने अच्छे हैं, और वो अच्छे इसलिए हैं क्योंकि उनके मम्मी पापा, यू नो, उनकी पूरी फैमिली ही उतनी अच्छी है. क्या बात है. लव यू टू मम्मा जी पापा जी. और आप एक बात बतानी है मुझे, हमारे जो पापा जी हैं रोहू के पापा जी, वो एशियन चैंपियन है पावर लिफ्टिंग में. ओ, हाँ हाँ बिल्कुल. हाँ जी. क्या बात है. थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए. एक बार जोरदार तालियां हो जाए रोहू के मम्मी पापा नेहू के सास ससुर के लिए. क्या बात. थैंक यू. ख्याल रखिए अपना. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.